नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो क्या कोई इतना तानाशाह हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों से उनका हक ही छीन ले? क्या कोई इतना तानाशाह हो सकता है कि जब उनकी गलत नीतियों का विरोध किया जाए तो उनकी लाठी डंडों से पिटाई की जाए? क्या कोई इतना क्रूर शासक हो सकता है कि विरोधी पार्टियों से प्रदर्शन करने का हक तक छीन लिया जाए? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सत्ता में अगर कोई भी विरोधी पार्टी प्रदर्शन करेगी या फिर जो नीति उन्हें गलत लगेगी उसका विरोध करेगी तो उनका हाल कुछ ऐसा होगा जो बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का हुआ। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर अमूमन दिखाई देती है और ये तस्वीर वो होती है जब तमाम राजनीतिक दल एक साथ खड़े दिखाई देते हैं, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो या फिर कोई ऐसा फैसला हो जो देश हित में लिया जाए। लेकिन जब कोई फैसला किसी राज्य के अगेंस्ट लगे या फिर देश के खिलाफ लगे तो अक्सर विरोधी पार्टियां उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करती है। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता है तो यहाँ पर आप प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप मोदी की खिलाफत कैसे कर सकते हैं? यहाँ आप गलत को गलत कैसे कह सकते हैं? यहाँ सिर्फ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे वो आपको करना होगा और वही मानना होगा। दरअसल पटना से जो तस्वीरें सामने आई, बिहार के पटना से, वो इतनी शर्मिंदगी से भरी हुई है, वो इतना शर्मिंदा सरकार को होना चाहिए उन तस्वीरों को देखकर और सोचना चाहिए कि अगर ये कांग्रेस कार्यकर्ता है और आप इसलिए इनका हाल ये कर रहे हैं तो क्या सत्ताधारी सरकार को कुर्सी पर बैठने का हक है? आप इस वीडियो को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। ये है कांग्रेस नेता और बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बीबी निवास, जिनकी इतने बुरे तरीके से पुलिस ने पिटाई की कि उनको जमीन पर लेटा लेटा कर मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बजट दिया गया है उस बजट को लेकर वहां जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपना रोष जता रहे थे। और नीतीश बाबू को, पीएम मोदी को इतना गुस्सा आया कि पुलिस को इतनी छूट दे दी कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष को इतने बुरे तरीके से मार रहे हैं और एक बार भी सोच नहीं रहे। इनके शरीर पर पड़े इस निशान को देखिए, इस वीडियो को आप, सबसे पहले ये वीडियो है जो मेरे ख्याल से 28 से 30 सेकंड का है, ये वीडियो देखिए, आंखें नम हो जाती है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक ऐसी पार्टी की सत्ता है जो प्रदर्शन करने तक है। ये वीडियो देखिए, अब इसके बाद इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वैसे तो ये कांग्रेस के शेर हैं जो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, जिन्हें दहाड़ना है तो सिर्फ दहाड़ना है, अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने हो या नीतीश बाबू की पुलिस के हाथ में ये डंडा हो। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई क्योंकि अब लोगों ने इस कार्रवाई को गलत बताया। पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, विरोध प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक नेता कार्यकर्ता का लोकतांत्रिक अधिकार है, पुलिस का तरीका किसी भी सूरत में ठीक नहीं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री वीवी निवास पर ऐसे लाठी बरसाई जा रही है जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी पकड़ में आया है। बीबी श्रीनिवास लिखते हैं, जिन सत्ताधीशों और पुलिस अधिकारियों को लगता है कि सरकारें नहीं बदलेंगी वो याद रखें, इन जख्मों ने हमें नई ऊर्जा देने का काम किया है, हर एक लाठी का हिसाब होगा। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम जमीन पर जुर्म लिखो आसमान में इंकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। आमिर अजीज, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसके साथ ही अब बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चेबंदी की जा रही है। तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि किस तरीके की तानाशाही है भाई, जहां पर विरोधी पार्टी को प्रदर्शन करने का भी हक नहीं है। आपको याद होगा, चलिए ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है जिन्हें इस तरीके से पीटा होगा।
कुछ साल पहले जब हाथरस यूपी के हाथरस में कांड हुआ था, उसके बाद जब राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे थे, तब रास्ते में उनसे हाथापाई की गई थी, पुलिस के द्वारा उनको धक्का दिया गया था। वो तो कार्यकर्ताओं का सुरक्षा घेरा वहां मौजूद था, जिन्होंने पुलिस को रोक लिया और राहुल गांधी को पीछे किया, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी से बदसलूकी की गई। यानी कि क्या हम ये मान ले कि अगर वो कोई नेता बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन अगर वो विपक्षी पार्टी का होगा तो उसके साथ यही सलूक किया जाएगा? क्या हम मान ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में किसी का भी विरोध करना गलत है? क्या हम मान ले कि पीएम मोदी जो कहेंगे वही बात उसी पर सहमति जतानी होगी? बहरहाल जो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रही हैं, ये काफी निंदनीय है। ये इसलिए निंदनीय है क्योंकि विरोधी पार्टियों से उनका हक छीना जा रहा है, और ये इसलिए भी निंदनीय है क्योंकि जिस तरीके की क्रूरता पुलिस ने यहाँ पर की है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।